हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान जारी है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इसी कड़ी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी अंबाला शहर में वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं वोट डालने के बाद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने सभी से वोट डालने की अपील भी की। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबसे अहम एक फैसला होता है जो 5 साल में एक बार आता है, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही तीसरी बार सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल, अंबाला वोट डालने आया हूं क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है, दायित्व भी है और मैं आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहता हूं। जब भी करें, अभी भी समय बचा है, जाकर अपनी वोट का भुगतान करें क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अहम एक ऐसा फैसला होता है जो हमें 5 साल में एक बार आता है मौका। छोटा शब्द है, जितना शब्द है उतनी देर के लिए आता है, कुछ घंटों के लिए। चूकना नहीं चाहिए मौके से, अपना वोट दीजिए, अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करिए और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी हरियाणा में। किन मुद्दों को लेकर विश्वास है कि सरकार बनेगी? देखिए, मुद्दे तो सामने हैं। जिस तरह से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसी तरह से हरियाणा में भी बनेगी। इतिहास का स्टूडेंट हूँ, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 60 साल में जब से हरियाणा का गठन हुआ है, हमेशा जिसकी सरकार केंद्र में होती है उसी की सरकार राज्य में भी बनती है। आपकी माता जी भी चुनाव लड़ रही हैं कालका से? जी बिल्कुल, पर मेरी वोट यहाँ की है इसलिए मैं वोट देने यहाँ आया हूँ। वोट देना जरूरी है। तो वहाँ पर क्या चीज़ देखिए? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा, 8 तारीख को आप सब देखेंगे।